विंध्य क्षेत्र में करारी हार का सामना कर चुकी कांग्रेस पार्टी उतनी ही ताकत के साथ उभर कर सामने आ रही है। पार्टी ने सबसे पहले विपक्षी पार्टियों को मात देने के लिए रणनीति बनाते हुए गुटबाजी को पाटने के लिए बिगुल फूंक दिया है। कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बना रही है और जातिगत समीकरण की बिसात बिछाई गई है। आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। कांग्रेस ने ऊर्जावान सिपा सिलारों को रिचार्ज करने की मुहिम तेज कर दी है। इसी कवायद में सबसे पहले शहर अध्यक्ष की नई पदस्थापना की गई और अब ब्राह्मण नेता त्रियुगी नारायण शुक्ला उर्फ भगत को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। गौरतलब है कि त्रियुगी नारायण शुक्ल पूर्व सिमरिया प्रत्याशी हैं। वर्ष 2013 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान में काबिज रहे हैं। त्रियुगी नारायण सुंदरलाल तिवारी खेमे से ताल्लुक रखते हैं और ब्राह्मणों के बीच में इनका दबदबा ठीक ठाक है। आज आप जिला अध्यक्ष बने हैं, आपकी पहली प्राथमिकता जिला अध्यक्ष को लेकर क्या होगा? मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि अपने नेताओं के आशीर्वाद से पूरे जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनको एक करके जो भी मान लीजिए कोई नाराज है, कोई प्रसन्न है, कोई दिक्कत है, सबसे मिल बैठ। हमारे जो शहर के भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, शहर के भी जो अध्यक्ष हैं, उनसे मिल के जो भी हमारे बड़े नेता उनके दिशा निर्देशानुसार सबको पूरी पार्टी को एक करने का प्रयास करूँगा। कांग्रेस पार्टी ने जहाँ त्रियुगी नारायण शुक्ल को जिलाध्यक्ष ग्रामीण नियुक्त किया है, वहीं वर्षों से उपेक्षा का शिकार लखनलाल खंडेलवाल में कार्यवाहक शहर अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की इस कवायद से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रक्रिया? मेरी प्रक्रिया तो पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ हमारी पार्टी को, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है और मैं कोशिश करूँगा कि उस विश्वास को कायम रखूँ। और जैसा कि आपने कहा पार्टी चुनाव में उतर रही है, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ काठोर विधानसभा में कार्य जीते, रीवा में कांग्रेस मजबूत हो और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय योगी राम जी को बनाया गया, मैं इनके मार्ग निर्देशन में भी काम करूँगा। मंगू सरदार मेरे अध्यक्ष सर के हैं, हमारा सहयोगी मखदूम खान जी है, हम सब लोग मिलकर और सारे कांग्रेसी मिलकर जितने भी कांग्रेसी आदरणीय सुंदर भैया के नेतृत्व में सारे लोग सब इकट्ठा होंगे, जितने भी कांग्रेस है यहाँ कोई झूठ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है और कांग्रेस में ही रहेगा और सारा कांग्रेस एकजुट होकर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से फतेह होगा।